हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि रिलायंस जियो फोन नेक्स्ट जो कि इस दिवाली को लॉन्च हुआ था, लेकिन तब से ही फ्लिपकार्ट अमेज़न जैसे प्लेटफॉर्म पे ये फ़ोन अवेलेबल नहीं है। तो दोस्तों, अगर आप ये फ़ोन ख़रीदना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो को आप ज़रूर देखिए, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप इस फ़ोन को ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही जो इसका एक्चुअल प्राइस है, मतलब 6499 या फिर 1999, ये कन्फ्यूज़न भी मैं आज इस वीडियो में दूर करने वाला हूँ। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप या फिर मोबाइल के क्रोम ब्राउज़र पे आना है और सर्च बार पे आपको लिखना है रिलायंस डिजिटल। तो रिलायंस डिजिटल लिख के आपको सर्च करना है। तो इसको लिख के सर्च करने के बाद जो पहला ऑप्शन आपके सामने आएगा वो है reliancedigital.in। इस वेबसाइट पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। तो इसके बाद यहाँ ऊपर देखिए मोबाइल्स एंड टैबलेट्स, इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे जियो फोन नेक्स्ट, ये ऑप्शन भी आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही देखिए आपके सामने जियो फोन नेक्स्ट का पिक्चर आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे दो कलर में अवेलेबल है, ब्लू और ब्लैक। तो पर्सनली मुझे ब्लू अच्छा लगता है, तो मैं इस ब्लू वाले पे क्लिक करूँगा। तो इस पर क्लिक करते ही देखिए आपके सामने इस फ़ोन के डिटेल्स, फीचर या फिर इसका कलर स्पेसिफिकेशन, ये सब आपके सामने आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ देखिए कि फीचर्स आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देखिए 5.4 इंच स्क्रीन, 2GB मेमोरी, 32GB स्टोरेज, 30MP प्राइमरी कैमरा। तो ये सब आपको यहाँ पे मिलेगा। और दाहिने ओर देखिए यहाँ पे आपको प्राइस देखने को मिलेगा जो कि है 6499, मतलब 6499। तो इसका एक्चुअल प्राइस जो है वो है 6499। जो कोई भी बोलता है कि इसका प्राइस 1899 है, वो सब फेक है। तो इसका एक्चुअल प्राइस है 6499। तो यहाँ पे नीचे आप यहाँ आपका एरिया पिन कोड देके आप सर्च कर सकते हैं कि आपके एरिया में ये फ़ोन डिलीवरी होगा या नहीं। तो देखिए मैं यहाँ पे एक पिन कोड देके देख रहा हूँ, तो एक दूसरा पिन कोड भी मैं यहाँ पे दूंगा चेक करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए पहले वाले पे अवेलेबल है, मैं एक नया पिन कोड यहाँ पे दूंगा। तो देखिए इस पिन कोड पे भी अवेलेबल है, सिर्फ कैश ऑन डिलीवरी अवेलेबल नहीं है, ऑनलाइन आपको पेमेंट करना होगा सबसे पहले। तो उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे जो बाय नाउ ऑप्शन है, इस ऑप्शन पे आपको अभी क्लिक करना होगा इस फ़ोन को ख़रीदने के लिए। तो इस पर क्लिक करते ही देखिए आपके सामने एक नया पेज ओपन होगा। तो सिंपली इस पेज पे आपको लॉगिन करना होगा। तो आप फेसबुक या गूगल, मतलब जीमेल अकाउंट से भी लॉगिन कर सकते हैं। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो अलग से रजिस्टर करना होगा। उसके लिए यहाँ पे देखिए नीचे रजिस्टर ऑप्शन है, इस ऑप्शन पर आप क्लिक कीजिए। इस पर क्लिक करते ही देखिए यहाँ पर रजिस्टर ऑप्शन पर क्लिक करते ही एक नया पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, ये सब देना होगा। तो देखिए मैं यहाँ पे अपना ना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और जीमेल अकाउंट सारे डिटेल्स देने के बाद आखिर में आपको यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देना होगा। तो यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिए और मोबाइल नंबर देने के बाद जनरेट OTP इस ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही देखिए आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। तो सिंपली उस OTP को यहाँ पे लिखना है और नीचे आपको यहाँ पे आई एग्री इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। और उसके बाद नीचे जो रजिस्टर ऑप्शन है यहाँ पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही देखिए आप ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा आपका अकाउंट। तो अभी आपको यहाँ पे ऐड न्यू शिपिंग एड्रेस, इस ऑप्शन पर अभी आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही देखिए ऊपर आपको अपना पिन कोड देना है, एड्रेस पिन कोड देना है और नीचे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम या बहुत सारे एड्रेस डिटेल्स आपको देना होगा। तो एड्रेस डिटेल्स भरने के बाद
सिंपली आपको नीचे जो सबमिट बटन है इस बटन पे आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते देखिए अभी आपको यहाँ पे देखिए नीचे जो ऑप्शन है डिलीवर हेयर, इस ऑप्शन पे अभी आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही देखिए अभी आपका पेमेंट ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए बहुत सारे पेमेंट ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, UPI, ये सब ऑप्शन आपके पास अवेलेबल होगा। तो आप अपना पसंदीदा ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। अगर आप डेबिट कार्ड चूज़ करते हैं तो आपको यहाँ से बैंक चूज़ करना होगा, फिर आपका डेबिट कार्ड डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना होगा। और फाइनली यहाँ पे जो आई एग्री बटन है इस पर क्लिक करके पे ₹6499 इस ऑप्शन पे अभी आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपका JioFone नेक्स्ट ऑर्डर कन्फर्म हो जाएगा। तो वीडियो को अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।